हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विदिशाज इंडियन किचन में। आज हम बना रहे हैं नवरात्रि स्पेशल व्रत में खाने वाले स्नैक्स, जो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही कम चीज़ों से बन जाते हैं और खाने में टेस्टी भी लगते हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए हम देख लेते हैं व्रत में खाने वाले स्नैक्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमने ये 2 कप मखाना ले लिया है, 1 कप मूँगफली, 3 आलू ले लिए हैं कच्चे आलू, इसे हमने छील के पानी में डाल के रख दिया है, थोड़ी सी देसी घी ले लिया है हमने, और इन सबको तलने के लिए हमने रिफाइंड ऑयल ले लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम एक कद्दूकस ले लेंगे और आलू को बड़े वाले साइड से कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, हमने आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, इसका कितना अच्छा लच्छा बन गया है। अब हम इसे 4-5 पानी धोएंगे, जब तक कि पानी पूरी तरह से साफ ना आ जाए। देखिए, आलू को इस तरह से ही धोना है कि पानी बिल्कुल साफ रहे और इसमें झाग बिल्कुल भी ना रहे, इसका स्टार्च निकल जाएगा, तभी ये बहुत अच्छे से बनेगा क्रिस्पी। हमने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच देसी घी, ज़्यादा नहीं डालना है, 1 चम्मच ही डालना है। घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं मखाना और इसे हल्का ब्राउन होने तक भून लेते हैं। देखिए, मखाना हमारा अच्छे से भून चुका है, अब हम इसे प्लेट पे निकाल देते हैं। अब कढ़ाई हमारा गर्म है, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच और देसी घी और इसमें डाल देते हैं मूंगफली। मूंगफली को भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली भी हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है, मूंगफली को भी प्लेट से निकाल देते हैं। अब हम कढ़ाई में डालेंगे रिफाइंड ऑयल, 1 कटोरी रिफाइंड ऑयल हमने पूरा डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं ये 4 सूखी लाल मिर्च, इसे हमने 2 टुकड़ों में तोड़ के रख लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आलू के लच्छे, जो हमने धो के साफ करके रख लिया था, अब इसे हम क्रिस्पी होने तक कराते हुए भूनेंगे। देखिए, हमारे आलू के लच्छे अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल देते हैं। आलू हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसे भी एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। हमारा सब कुछ अब तैयार हो चुका है, अब हम इसे मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। व्रत में खाने वाला स्नैक हमारा तैयार हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसमें ऊपर से सेंधा नमक भी ऐड करके खा सकती हैं या फिर ऐसे भी खा सकती हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।